जय श्री कृष्णा। तो बच्चों इसके अंदर क्या है कि जैसे मैंने आपको कूलॉम्स लॉ बताया कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है, बेसिक कूलॉम्स लॉ के कुछ सवाल भी बताए। अब कूलॉम्स लॉ में बहुत सारे सवाल होते हैं जो नेट फोर्स के जीरो होने पे या नेट फोर्स के किसी खास डायरेक्शन में लगने पर लागू होते हैं। तो इस तरह के सवालों को हम लोग इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आती है, तो वो सिचुएशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, चार्जेस का इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब चार्जेस का इक्विलिब्रियम दो तरह से हम लोग देखते हैं। तो पहला तो ये होता है कि जो चार्जेस जिनका इक्विलिब्रियम हम देख रहे हैं वो दोनों सेम साइन के हों, और दूसरा ये होता है कि दोनों अपोजिट साइन के हों। तो जैसे मान लीजिए कि ये दो चार्जेस हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, और Q1 और Q2 दोनों सेम साइन के हैं। ये Q1 जो है वो A पे रखा गया है और Q2 B पे रखा गया है, और बताया ये है कि AB डिस्टेंस जो है वो L के बराबर है और Q1 और Q2 दोनों का साइन सेम है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं, तो क्वेश्चन में लिख रहा हूं। अब इसमें क्या होता है कि Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, ये दोनों चार्जेस फिक्स हैं, हम कोई तीसरा चार्ज रखना चाह रहे हैं, तीसरा कोई चार्ज हम रखना चाह रहे हैं, और तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। ये Q1 Q2 तो फिक्स है, इनको तो कोई पकड़ के बैठा हो किसी काम दे दिया, गड्ढा खोद के जमीन में गाड़े गए या कील से कहीं दीवार से बांध दिए गए, ये फिक्स है, ये मूव नहीं कर सकते। कैसे फिक्स है ये जिसने क्वेश्चन में बोला है वो जाने कि कैसे फिक्स है। फिक्स करने के कई तरीके, फेवी को लगा के चिपका दिया, जमीन में गाड़ दिया, कुछ भी, दो लोग पकड़ के बैठे हुए, कैसे भी करके ये दोनों चार्जेस फिक्स है। अब ये दोनों चार्जेस फिक्स है और हम ये चाहते हैं कि कोई भी तीसरा चार्ज रखा जाए और वो इक्विलिब्रियम में रखा जाए, ठीक है, तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में आए, ठीक है। तो अब इसमें हमें यही चाहिए कंडीशन फॉर थर्ड चार्ज टू बी इन इक्विलिब्रियम। हम ये चाहते हैं कि कोई तीसरा चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो अब तीसरा चार्ज अगर मैं इक्विलिब्रियम में लाना चाहता हूं तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स का जीरो होना। नेट फोर्स जहां जीरो होगा वहीं पर इक्विलिब्रियम आएगा। तो एक कोई तीसरा चार्ज है जो इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो मान लो कि ये जो तीसरा चार्ज है मैं इसको यहां रख देता हूं। अगर यहां रखूंगा तो ये जो है इधर फोर्स लगा देगा, ये इधर फोर्स लगा देगा, ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन जो है जब तक अपोजिट नहीं आएगा तब तक बैलेंस नहीं होंगे। तो तीसरा चार्ज यहां रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता, ठीक। मान लो कि मैं तीसरा चार्ज मेरा माने मैं यहां रख देता हूं, ये Q1 Q2 का साइन सेम है, ये भी मैं लिख दे रहा हूं, Q1 एंड Q2 हैव सेम साइन, हैव सेम साइन, दोनों का साइन सेम है, तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, ठीक है। मैं फिलहाल दोनों को पॉजिटिव मान के चल रहा हूं। तो जैसे मैंने तीसरा चार्ज यहां पे रखा, कोई Q0 यहां रख दिया, तो ये Q2 क्या करेगा, इस Q0 को रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, ये Q1 भी इस Q0 को रिपेल करेगा, इधर ही फोर्स लगाएगा। अब दोनों फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में है तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। इक्विलिब्रियम में आने के लिए जो फोर्सेस होने चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में आने चाहिए। तो यहां पर अगर चार्ज में रखूंगा तो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं यहां रख दूं, मान लो इसी Q0 को मैं यहां रख दूं, यहां भी संकट है, यहां क्या संकट है, ये Q1 इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा, रिपेल करेगा ना, तो रिपेल करेगा तो इधर रिपल्शन का मतलब दूर भगाने की कोशिश करेगा, तो ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ये Q2 भी इसके ऊपर फोर्स इधर ही लगाएगा, और ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में आ गए तो इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। तो इक्विलिब्रियम जो है इस लाइन के ऊपर नहीं आ सकता, इस लाइन के नीचे नहीं आ सकता, इसके इधर नहीं आ सकता, इसके इधर नहीं आ सकता। अब इक्विलिब्रियम जो होगा वो यहां पर आ सकता है, इस जगह पर इक्विलिब्रियम आ सकता है बिल्कुल यहां पर। कैसे? मैं मान लेता हूं कि यहां पर इस Q1 के कारण फोर्स इधर लगेगा, Q0 मैंने यहां रखा हुआ है, तो इस Q1 के कारण फोर्स इधर लगेगा, इस Q2 के कारण फोर्स इधर लगेगा, और क्या पता ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएं और इक्विलिब्रियम आ जाए। तो मैं ये मान लेता हूं इस Q1 से x दूरी पर इक्विलिब्रियम आ चुका है, इस x दूरी पर सारे फोर्सेस बैलेंस हो चुके हैं। ये Q1 इस Q0 पे जो फोर्स लगा रहा है वो F1 लगा रहा है, Q2 जो लगा रहा है मैंने मान लिया F2 लगा रहा है। Q1 Q0 पे इधर फोर्स लगाएगा, Q2 Q0 पे इधर लगाएगा, जिस जगह दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे वहीं पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो फॉर इक्विलिब्रियम मैं सॉल्यूशन लिखता हूं, फॉर इक्विलिब्रियम F1 इज इक्वल टू F2,
जो इसने इधर फोर्स लगाया उतना ही फोर्स इधर लग जाएगा, सारे फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, F1 F2 के बराबर होगा। F1 कितना है जरा देखें, यहां से यहां तक की दूरी मैंने x मान ही ली है, तो F1 हो जाएगा K Q1 Q0 अपॉन x स्क्वायर। अगर ये दूरी x है तो ये अपने आप L माइनस x हो जाएगी, तो ये दूसरा वाला पार्ट इसका हो जाएगा K Q2 Q0 अपॉन L माइनस x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो Q0 से Q0 उड़ गया, K से K भी उड़ गया, अब यहां पर अपने पास जो बचेगा ये बचेगा L माइनस x अपॉन x, L माइनस x इधर ले गया मैं, L माइनस x अपॉन x जो आएगा वो बराबर जाएगा Q2 अपॉन Q1 का रूट, ये हो जाएगा। और हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे, जब मैं इसको सॉल्व करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा L माइनस x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Q2 अपॉन Q1 इंटू x, ये इधर चला जाएगा अंडर रूट ऑफ Q2 अपॉन Q1 इंटू x। और फर्दर सॉल्व करूंगा मैं इसको तो x की वैल्यू जो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2 इंटू l, याद भी रखना है आपको। पहले चार्ज, जिस चार्ज से हमें दूरी निकालनी है ना, जैसे x चार्ज से इस वाले से हमें पता लगाना था, तो इसी चार्ज से मैंने दूरी x मान ली, तो पहले वाले चार्ज से जो दूरी आएगी वो आएगी रूट क्यू वन अपॉन रूट क्यू वन प्लस रूट क्यू टू इंटू एल, या जाएगी। तो एक कंडीशन है, हाँ पर अब आपको याद करने वाली बात ये आ गई कि जैसे क्यू वन क्यू टू दो चार्जेस है सेम साइन के, और उस कंडीशन में अगर आपको यह पता लगाना है कि पहले वाले चार्ज से कितनी दूरी पर इक्विलिब्रियम आएगा, तो पहले वाले चार्ज से जो दूरी आएगी इक्विलिब्रियम की वो आएगी रूट क्यू वन अपॉन रूट क्यू वन प्लस रूट क्यू टू, ये डिस्टेंस आ जाएगी, पहले वाले चार्ज से जो डिस्टेंस आएगी वो इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, एक बात हो गई। अब इक्विलिब्रियम का एक और केस, दूसरा वाला जो केस है, हमने यहां पर क्या माना था, ठीक है, कि चार्जेस जो है वो सेम साइन के हैं, Q1 Q2 का साइन सेम है, लेकिन अब मैं मानने जा रहा हूं कि Q1 और Q2 का साइन अपोजिट है। ये मान लेते Q1 है, इधर मान लिया मैंने, इधर मान लिया मैंने Q2, ठीक है, और Q1 और Q2 का साइन सेम है, तो मैं ये मान ले रहा हूं कि ये इधर माइनस Q2 है, माइनस Q2 मान लिया मैंने, ठीक है, इसको मैंने माइनस Q2 मान लिया, इसको Q1 मान लिया, और वैल्यू जो है जो Q2 की वैल्यू है मैंने मान ली Q1 से बड़ी है, ऐसा मैं अज्यूम कर सकता हूं। ये दोनों चार्जेस फिक्स हैं, जैसे पिछले केस में थे A और B पॉइंट पर, ये दोनों चार्जेस फिक्स हैं, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, और मैं ये भी मान ले रहा हूं कि जो Q2 है वो Q1 से बड़ा है वैल्यू वाइज, और A और B के बीच की दूरी L के बराबर है। तो अब इस कंडीशन में हमें यह पता लगाना है कि इक्विलिब्रियम पहली बात तो किस तरफ होगा, किस तरफ इक्विलिब्रियम होगा यह पता लगाना है, और वो जो भी पॉइंट होगा उसकी Q1 से दूरी कितनी है। यहां भी जो फार्मूला बना था वो Q1 से दूरी का ही बना था, तो यहां पर भी फार्मूला में जो बनाऊंगा वो Q1 से दूरी का ही फार्मूला बनाऊंगा, तो Q1 से कितनी दूरी पर इक्विलिब्रियम आएगा, एक बात ये हो गई, और दूसरा कहां पर होगा, किस तरफ होगा। तो सबसे पहले तो मैं यहां देखता हूं यहां इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा। देखें यहां इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा इसको समझिएगा सब लोग बारीकी से। ये जो Q1 चार्ज है वो क्या करेगा, इस Q0 पे फोर्स इधर लगाएगा, ये जो माइनस क्यू टू चार्ज है ये भी क्यू नॉट पे फोर्स इधर ही लगाएगा, तो क्यू वन इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा, माइनस क्यू टू भी फोर्स इधर ही लगाएगा, दोनों अगर फोर्स एक डायरेक्शन में लगाएंगे तो क्या ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है और ज्यादा इसको फोर्स लग जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर देखें, यहां पर मैं मान लू इक्विलिब्रियम होगा, मान लो एक मोमेंट के लिए, भाई कहां होगा हमें नहीं पता है, तो अगर मैं यहां पे मान लू इक्विलिब्रियम होगा तो ये जो बी है, ये जो यहां पे मान लो मैंने क्यू नॉट रख दिया, तो ये जो माइनस क्यू टू है इस पे इधर फोर्स लगाएगा, भाई नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा, लेकिन क्या होगा कि चूंकि हमने बोल दिया था ना देखो क्यू टू क्यू वन से बड़ा है, तो क्यू टू अगर क्यू वन से बड़ा है तो क्यू टू का जो फोर्स इस पर आएगा वो हमेशा ज्यादा आएगा, भाई एक तो Q2 बड़ा है और ऊपर से ये डिस्टेंस भी कम है, भाई ये वाला चार्ज तो बहुत दूरी पर है इससे, लेकिन ये वाला चार्ज इसके पास है, तो एक तो Q2 बड़ा है, ऊपर से ये जो दूरी है कम है, तो KQ अपॉन R स्क्वायर से Q2 का फोर्स इस पे हमेशा ज्यादा रहेगा,
Q1 का हमेशा कम रहेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, तो यहां भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, यहां भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। अब रही बात यहां पर क्या होगा, ये माइनस Q2 इधर फोर्स लगाएगा, मान लेते हैं F2 लगा रहा है और Q1 इधर लगाएगा, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है भाई Q2 बड़ा है लेकिन KQ/R² होता है, क्यू बड़ा कर दिया आपने तो R भी तो बड़ा कर दिया, आपने KQ/R² में क्यू और R दोनों को बड़ा कर दिया, तो क्या पता वैल्यू जो है वो कम हो जाए, क्योंकि नीचे वाला टर्म भी बढ़ गया ऊपर वाला भी बढ़ गया, तो रेशियो बढ़े ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। तो ये Q2 के कारण इस पर फोर्स इधर लगेगा अट्रैक्टिव, इस Q1 के कारण इधर लगेगा, Q2 बड़ा है लेकिन दूरी भी ज्यादा है, Q1 छोटा है लेकिन दूरी भी कम है, तो जहां पर ये Q1 और Q2 के फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे वहीं पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। उस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं, ये जो भी दूरी है इसको मैंने x मान लिया। अब अगर इस दूरी को मैंने x मान लिया तो ये Q2 इसके ऊपर फोर्स अट्रैक्टिव लगा रहा था इधर, ये Q1 इसके ऊपर फोर्स रिपल्सिव लगा रहा था इधर। अब इन दोनों फोर्सेस को मैं बराबर कर देता हूं, F1 इज इक्वल टू F2 इक्विलिब्रियम के लिए, F1 F2 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा कि F1 ये Q1 इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो कितना है, KQ1Q0/x² और ये जो लगा रहा होगा वो लगा रहा होगा KQ2Q0/L+x² भाई ये L तो पहले से यही था ना, ये L पहले से था और ये दूरी x के बराबर हो गई तो L+x ही तो हुआ, ठीक है, तो ये L+x² हो जाएगा। काट पीट करें इसको, काट पीट जब हम करेंगे तो K से K चला जाएगा, Q0 से Q0 चला जाएगा और ये आ क्या आएगा, L+x/x² = Q2/Q1। फिर ये क्या हो जाएगा, L+x/x = √Q2/Q1। फिर ये हो जाएगा L+x = √Q2/Q1 × x। ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे हम, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो देखना क्या आएगी, √Q1/√Q2 − Q1 × L। ये हो जाएगा, जो x की वैल्यू आएगी आएगी अंडर, देखो वही सेम रिजल्ट आ रहा है, √Q1/√Q1 + Q2 था, यहाँ √Q2 − Q2 बड़ा है ना, तो √Q2 − √Q1 हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर दोनों चार्जेस सेम साइन के हैं तो पहले चार्ज से इतनी दूरी पर इक्विलिब्रियम आएगा, अगर दोनों अपोजिट साइन के हैं तो पहले चार्ज से इतनी दूरी पर इक्विलिब्रियम आएगा, और अगर अपोजिट साइन के हैं तो इक्विलिब्रियम ए बी लाइन के बाहर आएगा, छोटे चार्ज की तरफ आएगा, और सेम साइन के हैं तो इक्विलिब्रियम भी लाइन के अंदर आएगा। तो इस तरह से अगर दो चार्जेस हैं और दोनों के कारण हम तीसरे चार्ज का इक्विलिब्रियम देखना चाहते हैं तो इस तरह से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम जो अभी बताया मैंने आपको, रूल्स बताए, उसका एक सवाल देखिए, बढ़िया सवाल है। जैसे मान लीजिए ये एक चार्ज है 4Q, ये एक चार्ज है 9Q, ये दूरी ए है, ये बी है, और हमने आपको बताया कि AB = L है, और ये 4Q भी फिक्स है और ये 9Q भी फिक्स है, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम A वेयर ए थर्ड चार्ज, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम A वेयर ए थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। से दूरी बताओ जहां पे तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम होगा, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ए वेयर थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, तीसरा जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में होगा, इसे कितनी दूरी पर। तो इसका तो मैंने रूल आपको बताया, एक मिनट का पॉज लीजिए, फिर सॉल्व करके फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो अब जैसे दोनों चार्जेस अगर सेम साइन के होते हैं, नियम के हिसाब से देखें, दोनों चार्जेस अगर सेम साइन के होते हैं तो जो इक्विलिब्रियम आता है वो अंदर ही आता है, और पहले वाले चार्ज से उसकी जो दूरी आती है वो आती है √Q1/√Q2 × L, पहले चार्ज से जो डिस्टेंस आती है, तो √Q1 कितना हो जाएगा, √Q1/√Q2 हो जाएगा √4Q + √9Q।
इंटू एल ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये रूट क्यू से रूट क्यू तो सारा कट ही जाएगा, ये टू हो जाएगा, ये टू और थ्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू एल अपॉन फाइव। तो पहले वाले चार्ज से टू एल अपॉन फाइव डिस्टेंस पर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कर लिया होगा आप सबने सही, मैं मान रहा हूं। एक इसी की प्रैक्टिस में एक और सवाल दे रहा हूं मैं आपको, कुछ लिखा नहीं रहा हूं बस बता दे रहा हूं। सपोज करो ये चार्ज है नाइन क्यू और ये चार्ज है माइनस फोर क्यू। ठीक है, इसका नाम ए है, ये बी है, तो आपको यही बताना है कि चार्ज बी से, बी मतलब छोटा वाला चार्ज, फार्मूला जो बना है वो छोटे वाले चार्ज से बना है, तो आपको यही बताना है। अच्छा, ए बी दूरी एल के बराबर है, तो मैं लिखा नहीं रहा हूं क्वेश्चन, बस ऐसे ही आपको फार्मूले की प्रैक्टिस ही करानी है। तो चार्ज बी से कितनी दूरी पर इक्विलिब्रियम आएगा, तो अगर हमें यह पता लगाना है कि कितनी दूरी पर इक्विलिब्रियम आएगा, तो अपोजिट साइन के जब चार्जेस होते हैं तो हमने अभी आपको बताया कि इनके बीच में नहीं आएगा इक्विलिब्रियम, और बड़े वाले के इधर नहीं आएगा, छोटे वाले के इधर इक्विलिब्रियम आता है। अपोजिट अगर चार्जेस हैं तो इक्विलिब्रियम बीच में नहीं आएगा, छोटे वाले चार्ज के तरफ ही आता है, तो छोटा वाला चार्ज इधर है, इधर ही आएगा इक्विलिब्रियम। मैं मान लेता हूं यहां पर है इक्विलिब्रियम, ये दूरी जो x आएगी ये इसके बराबर आएगी अंडर रूट ऑफ q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ q2 माइनस q1 इंटू एल, ये जाएगी। ये फार्मूला था, q2 जो है बड़ा वाला चार्ज है, तो अंडर रूट q1 जो आएगा वो पहला वाला चार्ज था q1 अंडर रूट 4q अपॉन अंडर रूट ऑफ 9q माइनस अंडर रूट ऑफ 4q इंटू एल, ये हो जाएगा। तो ये 2 और ये 3 माइनस टू 1, तो ये हो जाएगा 2l के बराबर, तो जो x की वैल्यू आएगी 2l के बराबर आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और सवाल आता है इसमें इक्विलिब्रियम के अंदर, स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि थोड़ा वेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है। जैसे मान लीजिए एक कोई चार्ज q1 था और यहां पर कोई चार्ज q2 था, और इसका पोजीशन वेक्टर है r1 और इसका पोजीशन वेक्टर है r2। ठीक है, तो अब दोनों चूंकि एक ही साइन के हैं, दोनों चार्ज का साइन सेम है, तो जो इक्विलिब्रियम आएगा इन दोनों के बीच में आएगा। हाँ, इक्विलिब्रियम जो आएगा इन दोनों के बीच में आएगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जैसे मान लो इसको मैं ए मान लू, इसको बी मान लू, तो पहले वाले चार्ज से दूरी, पहले वाले चार्ज से दूरी जहां भी इक्विलिब्रियम लोकेशन है उसमें पहले वाले चार्ज से दूरी हमने x मानी थी, ये l माइनस x हो गया। इस बार मैं इसको r1 मान रहा हूं और दूसरे वाले चार्ज से जो दूरी है इसको मैं r2 मान रहा हूं। तो यहां x की वैल्यू जो आई थी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, अंडर रूट q1 अपॉन अंडर रूट q1 प्लस अंडर रूट q2। इसी x को, मतलब ये जो x है, पहले वाले चार्ज से दूरी को मैं r1 मान रहा हूं जानबूझ के समझाने के लिए, या चलो आप x ही मान लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये x के बजाय r1 r2 तो हम ले चुके हैं, ये वाली जो दूरी है इसको मैं मान ले रहा हूं l1 और इस दूरी को मैं मान ले रहा हूं l2 और यहां कहीं इक्विलिब्रियम है, तो x जो है वो l1 के बराबर आ गया। अच्छा, यहां से दूरी अगर इतनी आएगी तो अगर मैं यहां से दूरी निकालूंगा तो जो l2 आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ q2 अपॉन अंडर रूट ऑफ q1 प्लस अंडर रूट ऑफ q2। मतलब पहले वाले चार्ज से जो दूरी आई थी वही आएगी, अगर दूसरे वाले से मैं देखूंगा तो q1 के बजाय q2 आ जाएगा, तो अंडर रूट q1 अपॉन q2, और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने में l1 अपॉन l2 जो आएगा ना, L1 अपॉन L2, जरा डिवाइड करके देख लो भाई, L1 अपॉन L2 करूंगा मैं, तो ये रूट Q1 प्लस रूट Q2 नीचे से कट जाएगा और जो बचेगा वो बचेगा रूट Q1 अपॉन रूट Q2, ये आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या समझाना चाह रहा था कि जरूरी थोड़ी कि हम एक आपको बिल्कुल x एक्सिस पे ही दें, हम बोल देते हैं एक चार्ज यहां पे है दूसरा यहां पे, इनके बीच की दूरी L मान ली हमने, तो पहले वाले चार्ज से जो इक्विलिब्रियम की दूरी होती थी वो ये आती थी, रूट क्यू वन ऊपर आता था। अगर दूसरे वाले चार्ज से देखेंगे तो इक्विलिब्रियम में रूट क्यू टू ऊपर आ जाएगा, अगर मैं इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो लूंगा तो रूट क्यू वन इज टू रूट क्यू टू आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक सवाल बनता है, इसके अंदर क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर पोजिशन वेक्टर क्यू वन का आर वन है और क्यू टू का पोजिशन वेक्टर जो है वो आर टू है, तो इक्विलिब्रियम जो पॉइंट होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट में पी मान लेता हूं, तो क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन वेक्टर
पोजीशन वेक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट पी. इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट पी है उसका पोजीशन वेक्टर निकालो. इसके अंदर क्या होता है कि ये मतलब सवाल क्या था कि Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 था, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 था, तो जो P पॉइंट है जो इनके बीच इक्विलिब्रियम का पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर हमें निकालना है. ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है कि एक गणित के अंदर थ्योरम होती है, MN थ्योरम कहते हैं हम लोग. तो MN थ्योरम ये होती है, ये वेक्टर का पार्ट है, जो नहीं जानता है कोई बात नहीं है, उसको बाद में जान लेगा. अभी आप इसको एक रूल की तरह जान लेते हो. अगर मान लो ये एम और एन के रेशियो में बांटता है, अगर समझा जाए कि जैसे ये R1 है ये R2 है और ये M और N के रेशियो में बांटता है, तो R जो होता है वो बराबर होता है M वेक्टर R1 प्लस N वेक्टर R2 अपॉन M प्लस N. मतलब दो और तीन के रेशियो में काटता है तो दो इंटू दूसरा वेक्टर प्लस तीन इंटू पहला वेक्टर अपॉन थ्री प्लस टू. तो जैसे मान लेते हैं कि L1 और L2 किस रेशियो में काटा है, L1 अपॉन L2 रूट Q1 अपॉन रूट Q2 है, तो इसका मतलब ये इस लाइन को रूट Q1 और रूट Q2 के रेशियो में काट रहा है. तो अब इसमें अगर मैं लिखूंगा ना तो R की जो वैल्यू आती है, सीधे लिख सकता हूं मैं, पहला वेक्टर इंटू ये वाला रेशियो, मतलब उसमें यही होता है पहला वेक्टर इंटू दूसरा वाला रेशियो. तो पहला वेक्टर ये आपका आर वन हो गया, दूसरा वाला रेशियो कितना हो जाएगा, पहला वेक्टर हो गया आर वन, दूसरा रेशियो हो गया रूट क्यू टू प्लस दूसरा वेक्टर R2 इंटू रेशियो अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2. ये आ जाता है. जैसे मान लो कि इसका वेक्टर फॉर्म में, स्केलर में तो मैं पहले बता चुका हूं, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, इसका R2 है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ये हो जाएगा. ठीक है, R1 रूट Q2 प्लस R2 रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2. एक रिजल्ट आ जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर हमें निकालना है. ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको. एक और सवाल इसके अंदर इक्विलिब्रियम का बनता है, एक और वैरायटी का सवाल बनता है, वो सवाल मैं बता रहा हूं. ये समझिए कि दीवार है और एक मतलब छत है, छत से दो रस्सियां बनी है, दोनों की लंबाइयां बराबर है, ये एंगल भी दिया हुआ है थीटा, और इसका चार्ज Q है और इसका चार्ज भी Q है. ठीक है, तो क्वेश्चन जो है पहले मैं लिख रहा हूं और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे. मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन जो है, बोथ द चार्जेस हैव सेम मास, बोथ द चार्जेस हैव सेम मास, फाइंड द मास ऑफ ए चार्ज इफ सिस्टम, फाइंड द मास ऑफ ए चार्ज इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. दोनों चार्जेस जो हैं उनका मास सेम है. ठीक है, और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, रस्सियों की लंबाई L है, तो आपको बताना है कि किसी एक चार्ज का मास आपको बताना है अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है. रुका हुआ है, सारे फोर्स बैलेंस हैं. तो अगर सारे फोर्स बैलेंस हैं और हम इसको सॉल्व करना चाहें, तो जैसे एक तो मान लीजिए कि इसके ऊपर, पहले तो मैं ये कर रहा हूं कि दो मिनट का पॉज लेके आप खुद से सॉल्व करिएगा, फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा. मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूं. इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे जरा एक मैं देखता हूं. देखो, एक तो इस पर नीचे की तरफ लग रहा होगा एम जी, एक इसके ऊपर टेंशन टी ऐसे लग रहा होगा, एम जी नीचे की तरफ लग रहा होगा, टी इधर लग रहा होगा. ये दोनों चार्जेस जो हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स एफ लगा रहे होंगे. एक तो इधर टी लग रहा है, एक इधर एम जी लग रहा है, एक एफ इधर लग रहा है. ठीक है, अब ये एंगल थीटा के बराबर है, एंगल भी थीटा के बराबर हो जाएगा. हाँ, तो ये टी है, टी का इधर कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा, और टी का इधर वाला कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो टी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा. अब यहां पर इक्विलिब्रियम है तो सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे, तो टी साइन थीटा ये बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल फोर्स एफ के बराबर, जो भी इनके बीच का इलेक्ट्रिकल फोर्स है उसके बराबर आ जाएगा, और टी कॉस थीटा जो आएगा
टी कॉस थीटा ऊपर लग रहा है, नीचे एमजी, तो टी कॉस थीटा एमजी के बराबर हो जाएगा। तो टी साइन थीटा एफ के बराबर हुआ, टी कॉस थीटा एमजी के बराबर हुआ। अब हम इसको डिवाइड कर दें, इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे जो टैन थीटा आएगा दैट विल बी इक्वल टू एफ अपॉन एमजी। टैन थीटा की वैल्यू एफ अपॉन एमजी के बराबर हो जाएगी। तो अब यहां से देखें तो एम कितना आ जाएगा, एम की वैल्यू आएगी एफ अपॉन जी टैन थीटा। एम जो आ गया वो एफ अपॉन जी टेन थीटा आ गया, लेकिन अभी बात पूरी थोड़ी हुई है, अभी मैंने आपको एफ की वैल्यू तो नहीं निकाली है। अब एफ जो है वो इन दोनों के बीच का फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। के क्यू वन क्यू टू इनके बीच की दूरी कितनी होगी, देखो ये लंबाई रस्सी की एल थी, तो ये वाली लंबाई हो जाएगी एल साइन थीटा। अगर ये एल है तो ये एल साइन थीटा हो जाएगा, तो ये एल साइन थीटा और ये वाली भी एल साइन थीटा, तो इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी टू एल साइन थीटा। तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन होल का स्क्वायर ये हो जाएगा टू एल साइन थीटा। अब हम और आगे इसको चाहें तो ये हो जाएगा वन अपॉन जी टेन थीटा, वन अपॉन जी टेन थीटा, और इधर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन फोर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फोर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इसके बराबर आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये वाला सवाल कर सकते हैं। हेलो, तो देखिए इसके अंदर क्या आ रहा है कि जैसे सपोज कर लिए एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस पर हम एक चार्ज रखना चाह रहे हैं और इस तरह से रखना चाह रहे हैं कि उसके ऊपर जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिख रहा हूं फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वेयर ए थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वेयर ए थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट फोर्स ऑन इट इज मैक्सिमम। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वेयर ए थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट फोर्स ऑन इट इज मैक्सिमम। ओरिजिन से कितनी दूरी पर हम एक तीसरा चार्ज रख दें जिससे कि जो फोर्स आ जाए वो मैक्सिमम आ जाए, ये सवाल है। चार मिनट का समय लेकर के आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे, चार मिनट पॉज करेंगे और फिर उसके बाद नहीं होता है तो मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये बोला गया है कि तीसरा चार्ज कहां रख दें कि उस तीसरे चार्ज पे फोर्स जो है वो अधिक से अधिक आए। तो मैं मान ले रहा हूं कि इस तीसरे चार्ज को मैं यहां रख दे रहा हूं और ये दूरी मैं मान ले रहा हूं एक्स, ओरिजिन से दूरी पूछी गई है और ये एक्स मान लिया और ये तीसरा चार्ज मैंने मान लिया क्यू नॉट। अगर ये तीसरा चार्ज यहां रखेंगे तो इसका फोर्स इधर आएगा, इसका इधर आएगा, तो जीरो फोर्स हो जाएगा। यानी अगर इस चार्ज को मैं ओरिजिन पे रखूंगा तो नेट फोर्स जीरो आ जाएगा। अब मैं अगर इस चार्ज को बहुत अधिक दूर रख दूंगा, इन्फिनिटी पे रख दूंगा, तो आर इन्फानाइट हो जाएगा तो भी फोर्स जीरो हो जाएगा। यानी यहां पर भी फोर्स जीरो है और फिर बहुत दूर चले जाएंगे तो भी फोर्स जीरो हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं बीच में ओरिजिन से और इन्फिनिटी के बीच में कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट होगा जहां फोर्स मैक्सिमम होगा। अब देखिए ये क्यू इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो मान लिया इधर लगा रहा है एफ के बराबर, और ये जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ये मान लिया इधर लगा रहा है, ये भी एफ के बराबर लगा रहा है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एफ के बराबर फोर्स लगा रहे हैं, ये थीटा है ये भी थीटा है। ठीक है, अब जो भी फोर्स आ रहा है ये वाला इस पर इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, तो अगर मैं इस वाले एफ का कंपोनेंट इधर करूंगा तो ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा, इधर जो आएगा वो एफ साइन थीटा आएगा। उसी तरह से इस एफ का इधर कंपोनेंट आ जाएगा एफ साइन थीटा और इस तरफ आएगा एफ कॉस थीटा, तो मैं टू एफ कॉस थीटा कर देता हूं। इसका एफ कॉस थीटा और इसका एफ कॉस थीटा दोनों जुड़ जाएंगे तो ये टू एफ कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। तो कुल मिला के इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, रिजल्टेंट ये आ जाएगा टू एफ कॉस थीटा। अब इसी रिजल्टेंट को हमें बड़े से बड़ा करना है तो ये टू एफ कॉस थीटा के बराबर है। एफ जो है वो इसके और इसके बीच का फोर्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा होगा वो कितना लगा रहा होगा, टू के, टू तो था ही के क्यू
क्यू नॉट अपॉन ये वाली दूरी आएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। देखें ध्यान से, ये एंगल थीटा है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो इस वाले ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल देखो जरा ध्यान से, ये जो ट्राइंगल है इसमें कॉस थीटा आएगा बेस, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एफ आ जाएगा के क्यू एन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, जो भी रिजल्टेंट फोर्स आएगा, ये बराबर जाएगा टू के क्यू क्यू नॉट एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब आप सोच के मुझे बताएं कि भाई ये एफ आर जो है इसको अधिक से अधिक करना है, हम एक्स की वैल्यू हमें ऐसी पता लगानी है कि ये एफ आर जो है वो बड़े से बड़ा हो जाए। अब अगर हम इसको बड़े से बड़ा करना चाहते हैं तो याद कीजिए मैंने आपको 11th क्लास में बताया था कि किसी भी चीज को आप मैक्सिमम या मिनिमम करना चाहते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन आपको जीरो करना होगा। अगर आप मैक्सिमम या मिनिमम करना चाहते हैं तो डिफरेंशिएशन जीरो करना होगा। अब ये जो एफ आर आया है इसको हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो करेंगे। इसी एफ आर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, टू के क्यू क्यू नॉट एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -3/2, ऐसा भी लिख सकता हूं ना, ये ऊपर जाके -3/2 हो जाएगा। और अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएशन के अंदर एक प्रोडक्ट रूल बताया था कि दो नंबर्स हैं या दो फंक्शंस हैं उनका डिफरेंशिएशन करना है तो पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। तो ये अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ आर ओवर डी एक्स, तो टू के क्यू क्यू नॉट, ये सब तो कॉन्स्टेंट ही है, पहला फंक्शन x है और दूसरा ये है, तो पहला फंक्शन x है तो x का डिफरेंशिएशन, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन मैं लिखूं, डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन लिखता हूं मैं -3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -5/2 इंटू 2x। चेन रूल लगाया मैंने, मैं ये मान रहा हूं कि आप सबको चेन रूल आता है, ठीक है, मेरा एजम्पशन गलत है लेकिन मानना तो पड़ेगा भाई कि डिफरेंशिएशन आपको आता है। तो पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन, दूसरा फंक्शन होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -3/2, पहले यानी एक्स का डिफरेंशिएशन माना जाएगा और ये पूरा का पूरा अगर हमें मैक्सिमाइज करना है तो जीरो के बराबर आएगा। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे देखें, ये पहली बात तो ये टू से टू जा रहा है, जो माइनस वाला है इसको मैं इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -5/2, प्लस वाला उसी तरफ रहने देता हूं मैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -3/2, ये -5/2 वाला इधर ले जाऊंगा तो ये 5/2 -3/2 तो ये 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, हाँ एक्स स्क्वायर जो आएगा ये आएगा आर स्क्वायर, कहीं कुछ गड़बड़ हो, नहीं ये 3x स्क्वायर है, यहां 3 रहेगा ना, 3x स्क्वायर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगी 2x स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर हो जाएगी, x जो आएगा वो प्लस माइनस आर बाई रूट टू आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसे, प्लस माइनस आर बाई रूट टू का मतलब कि ओरिजिन से अगर आर बाई रूट टू दूरी इधर हो या आर बाई रूट टू दूरी इधर हो, दोनों केस में जो फोर्स आएगा वो मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो अगर ओरिजिन से आर बाई रूट टू कि दूरी पर मैं कोई चार्ज रखता हूं तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। किया क्या मैंने, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, ये क्यू इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा है, ये क्यू इधर लगा रहा है, नेट फोर्स इस पर 2f cos थीटा आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो के क्यू एन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर है, इनके बीच की जो दूरी आएगी ये आर है और ये एक्स है तो इनके बीच की दूरी होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो के क्यू एन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और cos थीटा होता है इस ट्रायंगल के अंदर, ये वाले ट्रायंगल के अंदर अगर cos थीटा देखेंगे तो cos थीटा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं आता है तो मेरे मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर्स को देखें, पुराना जो 11th के लेक्चर्स हैं तो उसमें आपको डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल होता है पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, इसको जीरो के बराबर करके सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी प्लस माइनस आर बाई टू।